सब्सक्राइब करें एसआई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है एसआई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड इस्लामिक सॉफ्टवेयर एंड एप्स में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम बताते हैं आपको बेस्ट इस्लामिक सॉफ्टवेयर और एप्स के बारे में जो कि लैपटॉप, पीसी और मोबाइल के लिए अवेलेबल होते हैं। नाज़रीन, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और अपना प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नाज़रीन, तो आज हम बात करेंगे इस्लाम 360 जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मोबाइल ऐप है और इस्लामिक ऐप है, और इसके अंदर कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं और कुछ नए फीचर इसमें आए हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं इसके इस्तेमाल के तरीके पर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी एपिसोड में जा कर के आप देख सकते हैं बेस्ट इस्लामिक सॉफ्टवेयर में। तो आज हम इसके कुछ फीचर जो आए हैं नए उस पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल से इस्लाम 360 को चले जाएं गूगल प्ले स्टोर में और वहां से इसको पहले अपडेट कर लें, तभी ये फ़ीचर आप में दिखाई देंगे। तो मैं यहां जैसे आ गया गूगल प्ले स्टोर में और यहां से मैं इसको अपडेट कर लेता हूं, तो ये मैं अपडेट ऑलरेडी कर चुका हूं थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसके अंदर तभी आपको वो फ़ीचर जो आए हैं नए देखेंगे, या फिर आप यहाँ से सर्च कर लें। अगर आपने डाउनलोड ही नहीं किया है तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ से इस्लाम 360 लिखें और यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आज मैं आपको सिर्फ ओपन करता हूं और इसके अंदर कुछ फीचर जो आए हैं उसको दिखलाता हूं। तो यहां से मैंने ओपन कर लिया और ये देखिए खुलकर हमारे सामने आ चुका है इस्लाम 360, और इसके फ्रंट पर यानी होम पेज पर ही आपको कुछ चीज़ें यहां नई नई देखने को मिल जाएंगी अगर आपने इसको अपडेट कर रखा है तो। तो एक चीज़ यहां मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, यहां देखें इस्लामिक इवेंट के नाम से, तो यहाँ देखें बड़ी इस्लामिक तारीख़ यहाँ पर, जब भी आप इसको अपडेट खोलेंगे ओपन करेंगे तो यहाँ एक नई तारीख जो रजब अभी चल रहा है ना रजब, तो इसको लेकर के जो है जो भी तारीख हिस्ट्री हमारी गुजरी है इस्लामिक से रिलेटेड, तो वो तारीख़ यहाँ पर शो करने लग जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, आपको हर दिन एक नई मालूम यहाँ से, यहाँ कुछ और चीज़ें भी शामिल की गई हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी इस्लामिक इवेंट इस्लामिक तारीख को लेकर के, यहाँ आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिल जाता है। तो आज आगे 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 आ जाएँ यहाँ होम पर कुरान पर, और कुरान में यहाँ देखें एक फहमुल कुरान के नाम से ये देखें रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, तो फहमुल कुरान के नाम से ये एक फ़ीचर ऐड किया गया है लेसन बाय लेसन यहाँ सीखने के लिए कुरान को, ठीक है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते फहमुल कुरान, कुरान को सीखना है, ठीक है, कुरान का फहम। तो इसमें बहुत सारे 38 तकरीबन जो है लेसन इसमें ऐड किए गए हैं, तो इसमें आप इसको पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये उर्दू में भी बोलता है और अंग्रेज़ी में भी बोलता है और अरबी में भी बोलता है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके लिए आपको लेकिन नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नेट चालू कर लें आप और यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, ये बोलना शुरू कर देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, इसमें डाउनलोड होगा और ये बोलना शुरू कर देगा। तो ये सीखने के लिए है दरअसल, आप लेसन बाय लेसन कुरान ये कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे अलिफ लाम रहा है तो ये आप यहाँ से उर्दू इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इस तरह से आगे पीछे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसमें फ़ीचर ऐड किया गया है कि आप इसमें कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं, देखिए इस तरह से ये आगे होता है, जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आकर के आप सारा इसमें अपडेट होता रहता है ये फ़ीचर, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए अंडरस्टैंड कुरान के नाम से जो दूसरे नंबर पर नीचे ही ऐड किया गया है, तो इसको आप जो ओपन करेंगे तो यहाँ भी कुरान को समझने के लिए ही, कुरान को पढ़ने के लिए ही कुछ चीज़ें इसमें कुछ असबाक जो है दिए गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी आप जो है कुरान के जो एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये जब जो साउंड का की जो आइकन दी हुई है उस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पढ़ के बतलाएगा। तो नेट अगर आपके मोबाइल में है चालू तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पढ़ करके बतलाएगा एक एक लफ्ज़ का तर्जमा, एक एक लफ्ज़ के माने
اور یہ مفہوم بتلائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس میں ابھی تقریباً 20-25 سے جو ہے اسباق جو ہے شامل کیے گئے ہیں, اور اس طرح سے اس میں جو ہے دھیرے دھیرے شامل ہوتے ہی رہتے ہیں, اپڈیٹ آتے ہی رہتے ہیں. تو جیسے دیکھیں یہاں میں نے سورہ عصر پر کلک کیا, تو یہاں میں نے اس پر ڈاؤن لوڈ پر, تو یہ جب ڈاؤن لوڈ ہوگا تبھی یہ بولے گا. تو اگر نیٹ آپ کا فاسٹ ہے تو ڈاؤن لوڈ جلدی ہو جائے گا اور یہ بولنا بھی شروع کر دے گا. اس کے علاوہ نیچے دیکھیں اس طرح سے ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. تو یہ ایک اچھا فیچر ہے قرآن فہمی کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے. اب آ جائیں ذرا اس پہ حدیث پہ. حدیث پہ کچھ اس میں شامل نہیں, جو کتابیں شامل تھیں وہی ہیں, اور ہوم پہ تو میں نے جس کو بتلا دیا. یہاں عبادات پہ دیکھیں, یہاں بھی کچھ نہیں ہے. مور پہ جا کر کے ایک چیز یہاں تجوید کے نام سے ایڈ کی گئی ہے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ کو یہاں تجوید بھی ساتھ میں سیکھنے کو مل جائے گا. تو یہ جو ریڈ کلر سے دیا ہوا ہے نا, اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ بولتا بھی ہے. ثنایا, ثنایا اولیا, ثنایا سفلا, رباعی, زواحق, طوائن, نواجز, ازراس. تو مطلب یہ پڑھ پڑھ کے آپ کو بتلائے گا کس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو یہاں سے آپ تجوید بھی ساتھ میں قرآن کے لیے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تین چیزیں, چار چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں. آپ پہلے اس کو اپڈیٹ کر لیں, اس کے بعد ہی یہ سارے فیچر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو یہ بہت اچھا فیچر ہے. تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں, اور تمام دوستوں کو یہ بات بتلائیں اور ان فیچرز کا فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا یا صلی